आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चपली कबाब का ड्राई मसाला किस तरह तैयार किया जाता है। उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो देख लेते हैं। 2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स जीरा, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ फेनल सीड्स, उनको मैंने टोस्ट करके अच्छी तरह और फिर उसको क्रश कर लिया है मोटा मोटा, उसको मोटा मोटा पीस लिया है। स्टिल ये देखें सीड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। 2 टेबलस्पून क्रश्ड अनारदाना, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चपली कबाब का ड्राई मसाला बनाने के लिए अब इन सारी इंग्रेडिएंट्स को हमें बस मिक्स करना है और हमारे चपली कबाब का ड्राई मसाला तैयार है। तो मैं इन्हें सब मिक्स कर देती हूँ। पोमेग्रेनेट सीड्स, क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स, चाट मसाला ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली एंड क्रश रेड चिलीज, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, सॉल्ट और काला नमक। गिव इट अ गुड मिक्स। इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये आपका चपली कबाब का ड्राई मसाला तैयार है। पैकेट का मसाला जो मिलता है उसमें कॉर्नफ्लावर भी मिक्स होता है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ड्राई मसाला तैयार करके रख लें और उसके बाद जब भी आपको चपली कबाब बनाने हो बस आपको मीट के अंदर जो ब्राउन मीट है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप कोरिएंडर, टमाटोज और ग्रीन चिलीज डाल के और उसे बना के आराम से तैयार कर सकते हैं। अब इस तैयार मसाले को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में भरकर रख सकते हैं और ये महीनों खराब नहीं होगा। तो आप भी ये चपली कबाब का ड्राई मसाला तैयार करें और मुझे अपनी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवानास कुकिंग। बाय फॉर नाउ।